उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही है, हुआ प्रवर्त व्यवहार में कभू के ज्ञानी संत, अज्ञानी विमुख ही रहे ये तू मान सिद्धंत। उन्होंने कहा है व्यवहार में रह करके बड़े बड़े ज्ञानी भी कभी कभी थोड़ा बहुत अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं मानी, अत्यधिक व्यवहार करते हुए बड़े बड़े ब्रह्मनिष्ठ भी थोड़े बहुत अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, और अज्ञानी तो सदैव विमुख ही रहते हैं। अज्ञानी लोग तो अपने स्वरूप से परमात्मा से सदैव भूले ही रहते हैं ना, विमुख रहते हैं, लेकिन उनके विषय में भी कहा है। लेकिन हमने अपने गुरुदेव के विषय में ये देखा कि व्यवहार करते हुए पूरा साधु समाज, चाहे वो ऋषिकेश हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे बनारस हो, चाहे इलाहाबाद हो, पूरा साधु समाज ये स्वीकार करता है कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव जैसा व्यवहारिक संत मिलना बड़ा, और इतना व्यवहारिक होने के पश्चात इतना असंग रहना ये बहुत ही कठिन कार्य है। वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। जो महापुरुष सदैव अपने स्वरूप में निमग्न रहते हैं, जो महापुरुष सर्वत्र उस परिपूर्ण आत्मा का ही दर्शन करते हैं, उसकी अनुभूति करते हैं, ऐसे महापुरुष तो भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कह रहे हैं कि सुदुर्लभ मतलब बड़े कठिन है, आसानी से मिलते नहीं है, कि जो सर्वत्र उस सच्चिदानंद स्वरूप को ही देखते हो, उसको ही अनुभव करते हो। तो ऐसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव थे, और मैं उनकी महिमा का कथन नहीं कर सकता, और केवल श्रद्धा के कारण ऐसा नहीं कह रहा हूँ, वो मैंने आपको अपना स्वभाव बता ही दिया है कि मैं इतनी सहजता से स्वीकार करने वाला कभी भी नहीं रहा हूँ। मैंने हर एक को अनुभव करके देखा है, हर एक को परीक्षा करके देखा है, हर एक का विश्लेषण करके देखा है, और उसके पश्चात स्वीकार किया है। देखिए, एक होता है श्रद्धा, एक क्या होती है श्रद्धा, और दूसरा होता है विचार या विवेक, है ना, और दोनों ही मनुष्य में होनी चाहिए। महिलाएं जो होती है वो श्रद्धा प्रधान होती है, और पुरुष जो होते हैं वो विवेक प्रधान होते, विचार प्रधान होते हैं। लेकिन न तो खाली श्रद्धा से काम होना है और न खाली विवेक से काम होना, समझने की बात है, न खाली श्रद्धा से आपका कार्य सिद्ध होगा और न खाली विवेक से ही सिद्ध होगा।